आउट कर लिया है आलू कीमा। ये देखिए मजे का आलू कीमा बनके एकदम तैयार है। ये काफी फेमस रेसिपी हो, एकदम जल्दी से बन जाता है, इसमें टाइम ज्यादा नहीं लगता। अस्सलाम वालेकुम, मैं शास्त्री एक नबिया किचन रेसिपी में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू कीमा। इसके लिए मैंने लिया है 1/2 kg कीमा, इसको अच्छी तरह से वॉश करके रख लिया है, ये बनाने के लिए एकदम तैयार है। 3 मीडियम साइज के आलू, इनको इस तरह से मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिए हैं। 2 बड़े चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, 2 बड़े चम्मच दही, मसालों में लिया है 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 छोटे चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार। तड़के में लिया है खड़ा गर्म मसाला, इसमें 3 लौंगे, 7 से 8 काली मिर्च, जायफल जावित्री, 1/2 छोटा चम्मच जीरा, 3 तेज पत्ते, 1 छोटा टुकड़ा अदरक का, ये स्लाइसेस में मैंने कट कर लिए हैं, 3 हरी मिर्चें, ये इस तरह से मैंने बीच में कट लगा लिया है टेस्ट के लिए, लेकिन ये साबुत ही रखना है, थोड़ा कट नहीं करना आपको पूरा, बस बीच में कट लगाना है। और 1 मीडियम साइज की प्याज। आइए बनाना शुरू करते हैं। 1 बड़ा चम्मच ऑयल ले लेंगे, बस इतना काफ़ी है। इसे गर्म कर लेंगे अच्छी तरह से, ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो गया है, इसमें ऐड कर लेंगे खड़ा गरम मसाला, पहले जीरा ऐड कर लेंगे, हल्का सा छनक जाए जीरा, ये देखिए जीरा हो गया। अब इसमें ऐड कर लेंगे बाकी खड़ा गरम मसाला, हल्का सा मिक्स कर लेंगे, जलाना नहीं है आपको खड़े मसाले को, बस हल्का सा ही ढकना है। अब इसमें प्याज ऐड कर लेंगे, अदरक और हरी मिर्ची बाद में ऐड करेंगे, हाई फ्लेम पर रखना है गैस को, बस आपको हल्का सा पिंकनेस चाहिए बस प्याज में, ज़्यादा डार्क नहीं करनी है आपको, बस बीच बीच में थोड़ा थोड़ा चलाते रहना है जो कि एक सा कलर आए। देखिए हल्की सी पिंकनेस आ गई है प्याज में, बस इतना ही चाहिए। अब इसमें ऐड कर देंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, लो फ्लेम पर आपको भुनाई कर लेनी है हल्की सी, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे, तेज पत्ता भी ऐड कर लेंगे, बाकी मसाले ऐड कर दें, धनिया पाउडर, हल्दी, थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे, इससे मसाले जले नहीं, थोड़ा ही नमक, लाल मिर्च चला लेंगे इन सभी मसालों को, हल्की सी भुनाई कर लेंगे। अब इसमें ऐड कर लेंगे कीमा, ये हल्की सी भुनाई हो गई है, इसमें ऐड करेंगे कीमा, तकरीबन 1 मिनट की भुनाई कर लेंगे हाई फ्लेम पर, भुनाई हो गई तकरीबन 1 मिनट की। अब इसमें ऐड कर लेंगे थोड़ा सा पानी, 1/2 कटोरी, बस थोड़ा ही रखना है, चार से पांच विसल लगा लेंगे हाई फ्लेम पर और 5 मिनट के लिए लो फ्लेम कर देंगे, जिससे कि कीमा अच्छी तरह से गल जाएगा और ये बन के तैयार हो जाएगा। आइए चेक कर लेंगे कीमा अच्छी तरह से गला है या नहीं। ये देखिए काफी सॉफ्ट हो गया है, इसकी हाई फ्लेम पर कीमे की भुनाई कर लेंगे, काफी अच्छी भुनाई शुरू हो गई है, बेटा जी भुनाई हो गई है कीमे की। अब इसमें ऐड कर लेंगे दही, दह
दही का पानी अच्छी तरह से खुशक हो जाएगा भुनाई में, जब तक आपको भुनाई कर लेनी है। दही की अच्छी तरह से भुनाई हो गई है, देखिए काफ़ी खुशक हो गया और ऑयल भी क्रीमी के ऊपर आ गया है। अब इसमें ऐड कर लेंगे हरी मिर्चें और बारीक कट करी हुई अदरक। अदरक की बहुत अच्छी खुशबू आती है, इसलिए आप ज़रूर डालिए अदरक को स्लाइसेस में। अदरक और हरी मिर्चों की भुनाई कर लेंगे 30 सेकंड के लिए। भुनाई हो गई है काफ़ी अच्छी इन सब चीज़ों की। अब इसमें ऐड कर लेंगे आलू, आलू की भी 10 से 12 सेकंड की भुनाई कर लेंगे। एक छोटी कटोरी पानी ऐड कर लेंगे। दो विसल लगा लेंगे, इसे कवर करके रख दिया है दो विसल के लिए, जो सिर्फ आलू गलाना है। कीमा हमारा पहले ऑलरेडी तैयार है, बस सिर्फ आलूओं के लिए रखा है। उसे दो हाई फ्लेम पे दो विसल लगाएंगे। आइए चेक कर लेंगे दो विसल के बाद में। आलू चेक कर लेंगे, कीमा ऑलरेडी तैयार था, देखिए काफी बनके एकदम तैयार हो गया कीमा। अब डिश आउट कर लेंगे, ये बनके एकदम तैयार है। डिश आउट कर लिया है आलू कीमा, ये देखिए मजे का आलू कीमा बनके एकदम तैयार है। ये काफी फेमस रेसिपी हो, एकदम जल्दी से बन जाता है, इसमें टाइम ज्यादा नहीं लगता। अगर आपको ये मेरी डिश पसंद आई है तो प्लीज नब्बे किचन रेसिपी को लाइक चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट में आप जरूर बताइए कि आपको ये कैसा लगा। अल्लाह हाफिज़।